हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुबह आ गई हूँ किचन में। टाइम हुआ है 8 और इस समय मैंने कुछ सब्जी बनानी है क्योंकि पराठा खाना है बेटे ने, तो सोचा क्या बनाऊँ। परवल ले लिए कल मैंने, वैसे मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, तो परवल की सब्जी हमारे घर में ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, चलो इसकी कुछ अलग सी डिश बनाते हैं। तो उससे पहले ना आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि कल मैंने ना मेहंदी लगवाई है और करवा चौथ है, तो आप बताइए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, अच्छे रंग चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, और आप लोग भी जल्दी जल्दी लगवा लीजिए। तो मैंने क्या किया, परवल को ना गैस पर भुनने के लिए रख दिया है, और ये मैंने कुछ धनिया लिया था, तो धनिया वैसे मैंने साफ कर लिया था, पर फिर भी अगर आपको पीला पत्ता या गला हुआ लगे तो निकाल दीजिए और इसको बारीक बारीक काट के रख लीजिए। परवल का बन क्या रहा है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैंने बारीक बारीक धनिया को काट लिया है। काटने के बाद ये एक होल पिन वो मिलता है, बॉक्स मिलता है जिसमें दो डिब्बी होती है, एक पिन की होती है और एक नीचे वैसी होती है, तो इसमें डाल के रखो, धनिया खराब नहीं होता, फ्रेश रहता है, एयर आती जाती रहती है। इसको मैंने क्लीन कर लिया है और अब क्या करेंगे, इसको एक बार पलट के देखते हैं। ये देखिए भुनने लग गया है, तो जैसे ये अच्छे से एकदम काला हो जाए ना इसकी स्किन, तब तक हमने इसको बहुत अच्छे से भुनना है। बहुत ही मज़ेदार डिश बनाऊंगी, सोचा था कुछ बनाने को, तो फिर मैंने सोचा यार कुछ अलग सा ही बनाते हैं, शायद बच्चों को पसंद भी आ जाए, तो देखते हैं। ये ट्राई है हमारा, तो सारे परवल जो है ना बहुत अच्छे से भुन गए हैं। भुनने के बाद मैंने इसको इसमें निकाल लिया, और याद रखिएगा इसको अपने पानी में नहीं डालना, इसको ठंडा होने पर ऐसे ही छीनना है, नहीं तो इसका फ्लेवर ना ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया है। मैं ये डिश सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, तो तेल में डालने के बाद अब मैं इसकी धीरे धीरे कर स्किन उतारनी शुरू करूंगी। हाथ के साथ उतार लीजिए चाहे चाकू के साथ उतार लीजिए, पर ठंडा होने के बाद करिएगा, अभी गर्म था मैंने भी छोड़ दिया। तो थोड़ी देर के बाद ये देखिए मैंने ठंडा होने के बाद इसको कर लिया। तो परवल में ना मोटे मोटे बीज होते हैं, वो आप साइड में कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा बीज अच्छे नहीं लगते, तो जो मोटे बीज है उसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसका कचुंबर निकाल दीजिए, यानी कि इसको अच्छी तरीके से, इस तरीके से जैसे हम लोग वो बैंगन भूनने के बाद कच 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 करते हैं ना, वैसे इसको भी कर लीजिए। तो फिर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, सरसों के तेल में बना रही हूँ, जीरा डाला, जीरे के साथ मोटा मोटा कटा हुआ प्याज डाला। प्याज को हमने बहुत ओवर कुक नहीं करना, ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। जैसे ही थोड़ा सा भून जाएगा, इसमें अदरक और हरी मिर्ची बिल्कुल चॉप करी हुई बढ़िया सी मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डालूंगी, सेंधा नमक है तो मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जो है ना हींग डाल दी है, और साथ में ही डाली है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में कश्मीरी लाल मिर्ची। तो बस यही मसाले डालने हैं, इससे ज़्यादा तो हमने इसमें मसाले भी नहीं डालने। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको चॉप कर लिया था, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम ढक देंगे, क्योंकि टमाटर का पकना बहुत ज़रूरी है। टमाटर कच्चा रह जाए ना तो सब्जी खराब हो जाती है। फिर से मैंने इसको खोला और थोड़ा सा हिलाया, हिलाने के बाद ये देखिए बढ़िया सा हमारा पकना शुरू हो गया है। तो अभी इस समय मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। जब मसाला पक रहा हो ना, इसमें धनिया डाल दो तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और फ्रेश धनिया हो। अब मैंने 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये चॉप करा हुआ हमारा परवल था ना, ये डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जल्दी से बताइए ये बना क्या। मेरे हिसाब से तो ये परवल का भरता बन गया। तो आप लोग भी बताइए कि आपको ये डिश कभी आपने खाई है कि नहीं खाई। नहीं खाई ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अभी अभी सोचा और अभी अभी बना लिया। तो आप लोग भी बताइएगा आपने कब खाई। मैंने थोड़ी सी चक्कर देखी, बहुत ही टेस्टी बनी है। पराठों के साथ खाइएगा, मज़ा आ जाएगा।